गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। और आज का व्लॉग सुबह बैग के साथ हम लोग रूम खाली कर रहे हैं और सारे लोग तैयार हो चुके हैं। देख लो अंकित भाई, अरे भाई का एकदम लुक बड़ा एकदम तगड़ा लग रहा है, वो लगा के स्कार्फ और चश्मा वश्मा लगा के। और ये संदीप भाई, गौरव भाई आज उदास है, थोड़ा सा घर से कॉल आ गई थी तो घरवाली ने कहीं और वो दे दिया ओपिनियन अपना। एक होता है ना ये कि तुम्हारा जब नेटवर्क कहीं बिजी हो और तुमने रिचार्ज कराया हो, वो नेटवर्क कहीं और बिजी हो जाए, वो चीज हो गया ना गौरव भाई के साथ। इसलिए क्या ही कर सकते हो कि भाई जरूर क्या कर रहे हो, कोई और करेगा। इस वजह से गौरव का थोड़ा सा काश मेरे भी बाबू मुझे जैकेट दे दे। जैकेट है किसी के साथ नहीं भाई, पर सच बता रहा हूँ भाई, गौरव के सुन के दुख लगा मुझे, थोड़ा सा दुख लगा। चलो हम निकल रहे हैं, वैसे आ रहा है भाई। तो भाई हम लोग सुबह ही सुबह बैठ गए आलू पराठा खाना। यहाँ का आलू जो पराठा है ना भाई, इतना बड़ा है। अरे भाई लड़की का भाई इतना इससे ज्यादा बड़ा है आलू का पराठा। अभी हम खाएंगे, दिखाएंगे आपको। देखो भाई, ये देखो भाई, इनके हाथ में क्या हो गया, इन्होंने हाथ में चोट मार ली अपनी। भाई मना किया, प्यार में नस नहीं काटी जाती भाई। क्या गौरव का तो भाई गौरव गुस्सा गया है भाई। गौरव भाई जो चम्मक चल रहे थे गुस्सा गई है, अभी आएगी तो मिलाते हैं भाई। ये रहा पराठा, कितना बड़ा पराठा दिखाऊं तुम्हें, आधी प्लेट ये पूरा इतना बड़ा चटनी से टूट जाएगा इतना बड़ा पराठा है। इसके साथ चटनी है हरी और फिर एक रायता बूंदी वाला, वो भी बड़ा टेस्टी लग रहा है, सबसे टेस्टी लग रही है। अब खा के एकदम ओरिजिनल रिव्यू दूंगा। तो भाई अब हम अपने रूम में आते हैं, मैं तो रूम का टूर करा देता हूँ, क्योंकि पहाड़ों पे जो रूम होते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं सारे, मैं तो दिखाता हूँ, ठीक है एक बार में दिखा देता हूँ उनको। तो मेरा रूम नंबर है 208 और रूम खोलते ही सबसे पहले दो जलपरी दिखेंगी। ओ माय गॉड, ये देखो दोस्त दोनों लेटे हैं, गौरव भाई टूटे हुए दिलों के आशिक, संदीप भाई और अंकित भाई। दो बेड देखो मस्त, कितने बड़े बड़े बेड बहुत मस्त बड़े बड़े हैं यहाँ पे। और सामने एक अलमीरा दिया गया है जो शीशा ऐसा लगा है, अलमीरा वाला शीशा लगा है, मैं तो देखो मस्त लग गया हूँ हैं। और देखो चार कुर्सियाँ, गिलास, टीवी है, सबसे टीवी चलती है यहाँ पे, खिड़की भी देख लो हैं। फोन कौन काम कर रहा है, फोन काम कर रहा है, सोने में डाल करके इसको बंद करा दो। और ये रहा बाथरूम दिखा दो, खोल कर बाथरूम में ये रहा अपना भाई, पूरा मस्त रेवेंडेड टॉयलेट, बढ़िया है सिस्टम, सब दिखाना होता है, चश्मा भी पहन के दिखाना होता है क्या। तो ऐसा है कुछ अपना रूम यहाँ का, कोट द्वार का। अभी आपसे अब हम जहाँ से जा रहे हैं कहाँ, अब यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, सिद्ध बाबा मंदिर। अच्छा सिद्ध बलि मंदिर हम लोग जा रहे हैं, कोट द्वार का सिद्ध बलि मंदिर। चलो गौरव उठोगे कि नहीं उठोगे, वहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है। तो भाई हमारी तो एक ही मन्नत है, मेरे घर वालों को ही पता है, सबको पता है, तो वही मांगेंगे कि पैसा हो, बस पैसा ही मेरी मन्नत है। पैसा मिल जाए वो पैसा है तो जन्नत है। पैसा देखो, जब जेब में पैसा होता है ना सब अपने होते हैं भाई, जिस लड़की के बाप को राजी करना हो बस इतना पैसा कमाओ गौरव, पैसा किसी भी लड़की के बाप को या माँ को राजी करना हो पैसा कमाओ भाई, घर वाले मान जाएंगे दो मिनट में। तो माँ को मैं कहता रहा, माँ और इसका तो अलग ही चीज चलती है भाई, कुछ भी अच्छी बात कहो ये अपने आप को रिलेट कर लेता है वहाँ पे। तो फाइनली हम भाई बैठ गए ई रिक्शे में, अब मैंने कोट द्वार में शुरू कर दिया ई रिक्शे का काम। भैया कितना कमा लेते हैं? भाई सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भैया कितना कमा लेते हैं, भैया कह रहे भाई 2-3 लाख रुपए कमा पाता हूँ बस, इससे ज्यादा नहीं कमा पाता, मैंने कोई बात नहीं। इसीलिए भैया से इंस्पायर होकर मैंने भी सोचा मैं भी रिक्शे का काम शुरू कर देता हूँ, और अब यहाँ से रोज रिक्शा चलाऊंगा सिद्ध बलि और पता नहीं सिद्ध बलि मंदिर। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर। अच्छा सिद्ध बलि बाबा मंदिर की कोई खास बात बताएंगे आप? ये सिद्ध बाबा का भी जो मेला लगेगा ना, कब लगता है ये? अभी 1-2 तारीख से शुरू हो जाएगा। अच्छा, बहुत मान्यता है। अच्छा बहुत ज्यादा, जैसे का हमने सबसे सुना तो वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मान्यता है कि जो जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है सब यहीं पे आते हैं। ओके, तो हमारी भी मनोकामना है पूरी हो जाएगी तो बाबा हम जरूर आएंगे सच्चे मन से। तो चलो, तो भाई हम लोगों ने आलू पराठा खाए, जैसे कि तुम लोगों ने देखा था सिर्फ 3 लोग थे पराठा खाने में ना, चौथा आदमी कहाँ था तुम ये सोच रहे हो। हम भाई बहुत देर सोचा फिर भाइयों ने मुझे आइडिया दिया कि वो बंदा इसलिए आलू पराठा नहीं खाया क्योंकि अगर व्रत रहोगे तो ज्यादा भगवान जी सुनते हैं, तो इस भाई ने इसलिए
व्रत रखा है क्योंकि भाई ज्यादा सुने भगवान जी, भाई भगवान जी हम सबकी ये इच्छा है कि इसकी इच्छा पूरी कर दो बस भाई, मान लेंगे क्या भाई, मान लेंगे मांग लेंगे भाई, भाई जी देखो भाई हम ये नहीं चाहते ना मेरा कोई दोस्त उदास रहे, कोई बात नहीं भाई इसकी मन्नत पूरी कर देना, इसके अभी अपने घर वाले भी संभाल लीजिए, शादी करना चाहता भगवान जी कर दो जल्दी क्यों बार भाई कुछ बोलोगे भाई बोलो कुछ गाँव माता आ गई है, प्रसाद देख के प्रसाद खिला दो, देखो गाँव माता बहुत बड़ी प्यारी प्यारी सुबह सुबह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सामने है भाई सिद्ध बली बाबा का मंदिर जहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं, अब पहुंच गए थे, बहुत आसान है कोटद्वार से 20 रुपए में पहुंचा दिया ई रिक्शे ने, यहाँ से घुसेंगे आप बढ़िया चीज है ये देखिए। और सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे मैंने देखी, सभी महिलाएं एवं पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए, छोटे वस्त्र हाफ पैंट बरमुंडा मिनी स्कर्ट नाइट सूट कटी फटी जीन्स आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन करने कर सहयोग करें, बहुत बढ़िया ये बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, जब भी आप भगवान के दरबार में जाए तो मर्यादित होके जाए क्योंकि ऐसे ही चले जाने से थोड़ी सी यार देखो अपनी भी कुछ धर्म की इज्जत है वो बनाए रखनी चाहिए। संदीप भाई की बारी अब, 1 2 3 बोले बजरंग बली की जय। ये मंदिर से ऊपर से कुछ नजारा, यहाँ पे जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं उनकी वो चुन्नी बांधी गई है, जिन जिन की मन्नतें पूरी हो गई हैं जो मांगना चाह रहे हैं वो सब ये देखो। और ये रहे बाबा सिद्ध बली बाबा हनुमान जी, बजरंग बली की जय। बाबा जी के दर्शन करने आप भी आ जाइए, आपको भी करा देता। और ये रहा कुछ कोटद्वार का व्यू, पूरे बहुत ऊंचाई से हम लोग देख रहे हैं ये देखो पूरा मस्त, और सब ये देखो बाबा बजरंगबली की मूर्तियां किस किस अलग अलग वजह से, जय श्री राम लिखा हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ अलग अलग सप्तरी में अलग अलग वो है मूर्तियां, देखो भगवान राम बजरंगबली और ये सब देखिए कान्हा जी सभी भगवान जी की मूर्तियां यहाँ पे ये देखो। आप चलो नीचे चलते हैं यहाँ से, और पीछे वे नदी का भी व्यू है पीछे देखो, ये रही नदी, नदी क्या ये नाला लग रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है, ओए भाई लोग नहा भी रहे हैं भाई मस्त, देखो लोग नहा भी रहे हैं ये देखो, ये बढ़िया सिस्टम यहीं चलेंगे अभी हम लोग, यहाँ पर नीचे जाएंगे चलो। और भाई दर्शन कर लिए और अब आ रही है हम लोग की कुछ एडवेंचर करने की, तो हम लोग आ गए मंदिर से नीचे उतर के कहाँ पे नदी में, ऐसे आपको नहीं लगेगा अभी मैं जब आपको दिखाऊंगा ना तब लगेगा, ये यही चीज तुम लोग नहीं कर पाते हो, तुम लोग अगर घूमने आ रहे होगे तो तुम उस रोड से निकल जाओगे, ये रास्ता है थोड़ा, और हम लोग जब आए तो हम लोग आए बिल्कुल नीचे देखो जहाँ पे पानी बिल्कुल झड़ता हुआ आ रहा है, ये देखो एकदम मस्त आ गए हम अब है, यही तो था देखो, अब हम यहाँ पे आ गए जो जो मैन नेचर होते ना जैसे मानव निर्मित झरने होते वहाँ आ गए हम, देखो बढ़िया सीन के पास यहाँ पे लोग बैठ के मस्ती कर रहे हैं और पानी की आवाज सुन सकते हैं तो पानी की आवाज बढ़िया। तो दोस्तों हमारे बीच आ रहे हैं भोजपुरी के सुपरस्टार पास से देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है, दूर से इतना सही लगता है जितना पास से लग रहा है, हम आ चुके हैं अभी झरना पानी दिखाऊं, पानी दिखा देता हूं कितना साफ पानी है यहाँ का, अरे ये देखो पानी पी लूं क्या, अरे नहीं पानी बोतल तो लेके आया हूं पीने के लिए भाई, पता नहीं कैसा पानी पर है बहुत साफ पानी एक नंबर का, चलो अभी हम इसमें चले झरना, ये उत्साह आ रहे हैं हमारा पत्थर, पता है यहाँ के पत्थर बहुत पैसे होते हैं फिसलने वाले, तो देख के आ रहे हैं उनके भाई देखो, आराम आराम आओ आराम आराम बिल्कुल आराम आराम आते जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, ये हाँ मजा तो आ रहा है पर भाई आराम 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 आगे आगे इस साइड आगे इस साइड, ये देखो बस अभी इसमें नहाएंगे अभी पानी में नहाऊंगा अभी मैं, ये फाइनली हम आ चुके बिल्कुल नेचर जो होता है ना शुद्ध वातावरण प्रकृति की, ये वाणी देखो एकदम यहाँ पे हम लोग बैठेंगे अब 2-3 घंटे इस प्रकृति का मजा लेंगे भाई, फाइनली हम लोग बहुत देर से कम 2-3 घंटे इस पानी में मौज काटे, यहाँ पे जो पानी चल रहा है बहाव हो रहा है देख रहे हो,
कैसा लगा भाई अंकित भाई यहाँ पे आके? मैं तो नहा भी लिया इस पानी में। ये नहा भी लिया, नहाए कोई नहीं, झूठ बोल रहा है, मुझे पक्का पता। इतना कॉन्फिडेंस है भाई, देखो हमारे साथ वाले लोंडे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं जो कुछ भी बोलते हैं। ये नहा भी लिए भाई, और मैं तक कम झूठ बोलता हूँ भाई, सिर्फ मैं अकेले नहाया उन लोगों में से, इन लोगों को ये नहीं पता भाई। पर एक बात बताऊं तो मैं सुकून की पहाड़ों में आके सच में, अगर एक दो दिन के लिए आ रहे हो ना तो मजा है, तीन चार दिन अगर रहना पड़ जाए ना यहाँ पे, तुम्हें लगे कि पाँच छह महीने रहना है तो तुम ये सोच लो सजा है, फिर ये एक सजा बन जाती है। और हाँ भाई, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी देखी कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं पानी की बोतल यहीं डाल दे रहे हैं, बोतल वोतल या प्लास्टिक को यहाँ गंदा ना करो, कम से कम कुछ चीज तो मतलब साफ रहने दो। क्यों भाई, सही बात है, गंदगी बहुत पड़ी हुई है, कोई कपड़े छोड़ के चला जा रहा है। हाँ, एक दो तीन बोतलें हमने उठा के अपने बैग में रख ली है इसमें, तो उसके बाद हम पूरे बाहर डाल देंगे डस्टबिन में उधर। और शाम के खाने में भाई हमें देख रहे हो क्या खा रहे हैं भाई, शुद्ध खाना नहीं मिल रहा यहाँ पे, चिकन ज्यादा मिल रहा है। और देख रहे हो क्रिएटरों के साथ, ये फूड ब्लॉगर बनना है, मेरे साथ रह रहा है कि फूड ब्लॉगर बन गया। क्यों भाई कैसा लग रहा है ये तुम्हें लग रहा है वो पानी पूरी है? नहीं भाई, ये भटूरा है, इतना बड़ा बड़ा देखो, मस्त है। पर अब टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि टेस्ट के मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता यहाँ पे कि कैसा क्या है, हर चीज बस काम चला हुआ है। आलू पराठा सुबह वाला बहुत जबरदस्त था सच में, अब शाम को हम नहीं गया खा रहे भटूरे, देखो खा लेता हूँ फिर बात करता हूँ, ठीक है तब बताऊँगा खाने के बाद रिव्यू दूंगा। और वो दोनों वो चिकन खाने गए हैं, अब मैं हम तो खाते नहीं चिकन यार, वो दोनों खाते तो वो गए हैं, ये भाई भी नहीं खाता चिकन। तो भाई खाना ना खा के आ गए रूम पे, और अब बारी है सोने की। तो भाई ये सारे लोग लेट गए, देखो ये भी लेट गए। वो कैसे बैठा है देखो, कपड़े उतार दिए ना इसलिए। तो व्लॉग को कर देते हैं खत्म, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना भाई, चलो बाय।